मुझे तलाक चाहिए। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो आपके डिपार्टमेंट की एक बड़ी बाहिम्मत लेर ऑफिसर, लेडी ऑफिसर बदर मुनीर साहब आई है मेरे करीब खाने। रात ड्रामे में अब ईमान को सारी गेम समझ आ चुकी है। कैसे आज तक तार के साथ इस घर में बुरा सलूक होता रहा, मामू को कुछ दिखाया जाता रहा और सलार के साथ कुछ होता रहा। सब कुछ का मालिक सलार है, इसके बावजूद सलार के साथ इस घर में नौकरों की तरह सलूक होता है। इसी वजह से अब ईमान सलार का साथ नहीं छोड़ेगी बल्कि उसे उसका हक दिलाकर रहेगी और कुछ भी सलार का है उसे वापस दिलवाएगी। और सलार की सौतेली माँ और भाई जो हर चीज पर अपना हक जमाना चाहते हैं उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं तो उनके औकात जरूर याद दिलवाएगी, लेकिन उससे पहले लायक मामू चाहते हैं कि ईमान किसी भी तरह सलार की जिंदगी में ना रहे। वो नहीं चाहते कि ईमान ही सलार को उसका हक दिलवा सकती है। लेकिन सलार का भाई जब देखेगा कि अब तो सलार किसी से भी नहीं डरता ना उसकी कोई बात मानता है, ये तो अपने हक के लिए खड़ा हो चुका है। ईमान की इसकी जिंदगी में आने के बाद ये तो चूहे से अब शेर बन चुका है, तो वो सलार को अगवा करवा लेगा, उस पर तशद्दुद करेगा, उसे मारे पीटेगा ताकि सलार इस दुनिया से ही चला जाए और उसका सब कुछ उसे मिल जाए। जबकि उधर अमान को बर्बाद करने के लिए जैन जरूर वापस आएगा, लेकिन जब उसे सच्चाई मालूम होगी कि अमान का कोई कसूर नहीं था, कसूर तो उसकी अपनी ही माँ का था, तब जैन को भी अफसोस होगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।